वेलकम गाइस, दिस इज टीरियन गेमिंग और आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। एक्चुअली शॉटगन एंड ओके शॉकवेव को कंप्लीट कर दिया, बहुत अच्छा स्प्रे देते हुए नॉक कर दिया है बड़ के अमन को। लेकिन अगर आईजीसी का बंदा ओके मोगैम्बो जो है वो पुश कर चुका है, देखते हैं। एंड एकेएम से बहुत अच्छा नॉक कर दिया रफ को भी। एक्चुअली न्यूक्लियर के बंदों के साथ फाइट चलता हुआ दिखा, और को तो नॉक कर दिया है लेकिन कवर फायर आते हुए स्पर्श को भी नॉक कर दिया। अकेला बंदा बचा हुआ है गेमिंग वाइटी जो है, उसने S12 के से नॉक कर दिया लेकिन कवर फायर आ जाएगा बहुत जल्दी, जो कि एक बंदा ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है एंड ख़त्म कर दिया वॉरलॉर्ड को, जिसने पोजीशन दे दिया है एंड बहुत अच्छा ख़त्म कर दिया है। नॉक नहीं हुआ कोई भी बंदा, अभी थोड़ा सा बेट करने की कोशिश हो रही है। प्रतीक काफ़ी ओपन में गया है एक्चुअली एंड बहुत अच्छा नॉक तो कर दिया, लेकिन पीछे से और एक टीम आती दिखाई दे रही है मुझे। 4x खुल गया था एंड ये क्या हुआ? ओके दो बंदों को ले लिया, क्या क्लच कर पाएगा? लेकिन नहीं, बहुत कम हेल्थ हो चुकी थी एंड इसके पास वेस्ट नहीं था, आ रहा था आकाश लेकिन अंदर चला गया, देखना पड़ेगा। डीपी के साथ level 2 हेलमेट एंड level 3 वेस्ट, नाइस। ओके लेकिन इसके साथ भी बंदा नॉक हो चुका है, फिलहाल दो बंदे नॉक हुए हैं। विपेंद्र कैसे परफॉर्म करता है देखना पड़ेगा। टीपी तो ले रहा था लेकिन उसने देख लिया था, उसको तो नॉक कर दिया एंड लेकिन ओके विपेंद्र कैसे बहुत अच्छा क्लच कर तो दिया है। विपेंद्र ने स्पॉट कर लिया है एंड नॉक हो जाएगा स्टार बॉय। टीपीपी ले रहा था लेकिन मॉर्फिन का काफी अच्छा एंगल था यहाँ पे। ओके राज को स्पॉट कर लिया था, बहुत अच्छा नॉक कर दिया है एंड देखना पड़ेगा शायद से खत्म भी हो सकता है, जो कि कवर फायर आ गया लेकिन राज को खत्म करते करते भी कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। लेकिन ये टकरा के वापस आ गया एंड बहुत अच्छा नेड करते हुए फाल्कन को एक्चुअली हील करने का मौका नहीं मिला, इसलिए नेड कनेक्ट हो गया। अब ये बंदे बहुत हार्ड रश करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि निकाल लिए गाइस। M6 8 वर्सेस हो सकता है फाइट, जो कि आ चुका है बंदा, अंदर भी आ चुका था, बहुत अच्छा शूटर को नॉक कर दिया, शायद से खत्म कर देगा। दो बंदे आ चुके हैं कंपाउंड के अंदर, खलनायक ने बहुत अच्छा नॉक कर दिया तीसरा बंदा, लेकिन नॉक नहीं हो पाया, खलनायक को नॉक कर दिया फिलहाल, शायद से हो सकता है लेकिन तीसरा बंदा भी नॉक कर दिया है। अकेला बंदा बचा हुआ है टीम 16 का, जो कि देखना पड़ेगा, जो कि वाइल्ड है एक्चुअली, कवर कुछ भी नहीं है ज्यादा यहाँ पे एंड बहुत अच्छा लेकिन हेडशॉट दे दिया है पारस ने, काफी देते हुए दिखाई दे रहा है, जो कि 7 के बंदों पे दे दिया था। बहुत अच्छा जेनेसिस ने नॉक करके गाड़ी ग्रोप को काफी अच्छा टॉक्स, क्या है वो, खलनायक ने स्पॉट कर दिया था, दो बंदों को नॉक कर दिया, बहुत शायद टॉक्सिक जो है वो आगे बढ़ चुका है, जिसने वोटेक को नॉक कर दिया, दैट इज 1v1 सिचुएशन। एक एक बंदे बचे हुए, दैट इज गाइज 1v1 सिचुएशन। अगर मजा आ रहा है आपको तो एक बार जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो एंड लास्ट में बहुत चार भी नहीं दिया, कौन सा बंदा लेके जाता है, उसी वर्सेस था, बहुत अच्छा क्लच कर दिया है। ओके स्पॉट कर लिया था, बहुत अच्छा स्पॉट करके नॉक कर दिया है सुपर कॉप को, नॉक कर दिया, बहुत अच्छा स्प्रे दे रहे हैं मुझे शायद से, या कोई बंदे हो चाहे जो बहुत अच्छा ले लिया था SGH, लेकिन थर्ड पार्टी कर दिया है टी वाई, दैट इज 1v3 सिचुएशन हो सकता है एंड स्पॉट तो कर दिया था लेकिन ड्रॉप शॉट लेके नॉक कर दिया है दो बंदों को, अकेला बंदा बचा हुआ है जो कि शायद से देखना पड़ेगा, लेकिन जो कि स्पॉट कर लिया था, बहुत अच्छा नॉक कर दिया है पोसाइडन को एंड आई थिंक सो, लेकिन ओवर फायर आ, सो PSR वर्सेस टीम DH एंड दैट वाज अ ग्लिच, नॉट अ प्रो, अकेला बंदा बचा हुआ है जहाँ पे जिसके पास हेल्थ बहुत कम है, अरागॉन को भी नॉक कर दिया एंड आई थिंक सो थोड़ा सा मुश्किल में लग रही है मुझे टीम 12 जो है वो काफ़ी मुश्किल में लग रही है एक्चुअली ऑलरेडी। पिस्टल के साथ नॉक कर दिया, बहुत अच्छा पिस्टल के साथ नॉक कर दिया था नॉट अ प्रो ने, लेकिन कवर फायर आ गया था एंड बहुत अच्छा PSY के बंदों ने, स्क्रिलेक्स जो है वो गाइस खत्म हो चुका है शायद से, अकेला बंदा ने बहुत अच्छा नेड कर दिया राइवल ने, इसका फायदा उठाते हुए शायद से 1947 के बंदे हार्ड पुश करते हुए दिखाई दे रहे, जो कि कनेक्ट को तो नॉक कर दिया लेकिन काफी अच्छा नेक्सस ने कवर फायर देते हुए, माय गॉड। ओके जेनेसिस को तो नॉक कर दिया है फिलहाल, काफी ओपन से आ रहा था उसको भी नॉक कर दिया, कैन रेज ओपिंग क्लच जो कि ओके आ गया, लेकिन बहुत अच्छा नॉक कर दिया फैटल ओपी को भी, देखना पड़ेगा क्या ये बंदा क्लच कर पाएगा
ओपन से आ गया, तो इसको पता नहीं है शायद से कि यहाँ पे रिवाइव दिया जा रहा है। अगर ये बंदा रिवाइव हो गया तो दिक्कत आ सकती है रेजोपी को, जो कि हो चुका है रिवाइव एंड काफी ओपन से आ रहा था। आउटशॉट लेते हुए बहुत अच्छा क्लच कर दिया है, काफी अच्छा। दो बंदे तो नॉक हो सकते हैं एंड आईजीजी लियो ओपी ने नॉक कर दिया है नेम के साथ। एंड कोलोन और टू, जो कि मैंने बोला था गाइस, एक नेट के साथ दो तो बंदे एटलीस्ट। फॉलोइंग नेट आ गया एंड बहुत अच्छा, नारुतो को शायद से खत्म हो सकता है। M40 वर्सेस रूथलेस को नॉक कर दिया था, रावण को स्पॉट कर दिया, बहुत अच्छा स्प्रे देखे, नेक्सस ने नॉक कर दिया है। टीम क्लॉ नहीं छोड़ेगी, जो कि थोड़ा सा हाई रिच पे दिखाई दे रहा है मुझे। कानेजान लास्ट में स्पॉट करके खत्म कर दिया है गाइज। एंड गाइज, अगर आपको हाइलाइट्स पसंद आए हैं तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब कर देना वीडियो को, एंड अगर आपको कंटेंट पसंद आया तो जरूर शेयर कर देना। Thank you for watching.